आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाए। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय दे, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाए। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय दे, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण, दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन।
क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न कर, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया। क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं, इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है, और जिसके प्रति घृणा होती उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है? कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती, आपके दृष्टिकोण में होती। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था,
उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार रहे, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धुनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धुनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती? ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, पिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिक लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं, रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
आप में उत्साह बढ़ेगा और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की बातें करता है, सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई ना कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दे, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदायी मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती है, वर्षा के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सींचता है, और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते, हमें फल देते, ईंधन के लिए लकड़ियां देते, और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला। जल प्रकृति को इस संसार की सबसे अनूठी देन है। वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तालाब में भी, वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुर्गंध आती नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है।
परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते और नाले के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ ना, उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता, परंतु मोती तो देता है। माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त ना लगे, परंतु वो भी कहीं लगी अग्नि को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है। परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं। आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं। और फटे दूध को चाहे जितना मतलब, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें।
मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है। और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, तनिक सोचिए। जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसी बात कर दी। तनिक स्वयं सोचिए, जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता तो क्या हुआ, ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझ कर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार
खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देख रहे हैं इसे, ये रेत है। कहा जाता है कि इसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है, या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ति नहीं कि इसे मुट्ठी में बंद करके रख सके, या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी? कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? परिश्रम से, प्रयास से। तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते? मान सम्मान, धन संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है, और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया, आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे ये अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है, वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है।
वो ऐसा अपने आनंद अपने लाभ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है, जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे, उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वाष्प में परिवर्तित भी कर देती। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाए कि वो उग्र हो उठे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जल धारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसकी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। हमने एक बात अपने माता पिता, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुनी ही होगी कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता ही है। यदि वर्षा की एक बूंद सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती है, और यदि वही वर्षा की एक बूंद सर्प के मुख में जाए तो विष। तो क्या यही सत्य है? नहीं। आपने कभी चंदन के वृक्ष को देखा है? उस पर सर्प विचरण करते हैं, विषधर उससे लिपटे रहते हैं, परंतु फिर भी चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता, वो तब भी सुगंध देता है और पवित्र माना जाता है। तो इसका रहस्य क्या है कि वर्षा की बूंद पर संगति का प्रभाव पड़ता है और चंदन के वृक्ष पर नहीं? इसका रहस्य है आत्मबल। वर्षा की बूंद वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेती है, इसीलिए उसकी संगति ही उसका प्रारब्ध बन जाती है। परंतु चंदन का वृक्ष अपना व्यक्तित्व, अपना गुण नहीं खोता। इसीलिए यदि आप में आत्मबल हो, आपका मन दृढ़ हो, तो बुरी से बुरी कुसंगति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंह को जंगल का राजा कहते हैं, सभी पशु पक्षी उसका बल मानते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। परंतु सिंह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है और तब जाकर उसे भोजन मिलता है। और कई बार उसके ये कठिन प्रयास भी असफल होते हैं। यदि सिंह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वन का राजा हूं, मेरा भोजन स्वयं मेरे मुख में आकर गिर जाए, तो वो भूखे मर जाएगा। क्या समझे? राजा हो या रंग, उद्यम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत परिश्रम यही तो सफलता की कुंजी है। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी
तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता, इसलिए परिश्रम कीजिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। देख रहे हैं इसे, ये बड़ा भयंकर अस्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी धातु भला किस काम की। आप चाहें तो इस धातु से वस्तुएं जोड़ लें या फिर चोट भी खा सकते हैं। ये एक धातु लकड़ी के दो पट्टों को एक करके जोड़ सकती है, या फिर आपके शरीर में लग जाए या चुभ जाए तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है। इसलिए एक बात सदा स्मरण रखें, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, सबका अपना महत्व होता है। यदि आपको स्वयं बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, और यदि उनका तिरस्कार किया तो इस धातु की भांति चुपकर वो आपका मार्ग भी रोक सकते हैं।